हे hey, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। यहाँ पे मोबाइल तो हम सभी के पास है और देखिए यहाँ पे मोबाइल के अंदर हम लोग बहुत सारा चीज़ों को काम में लेते हैं, आप भी लेते होंगे। यहाँ पे दोस्तों हम तरह तरह का एप्लीकेशन कई बार डाउनलोड करते हैं अपने अलग अलग काम करने के लिए या फिर हम यहाँ पे कुछ फीचर्स को एक्सेस करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे कॉमन जो चीज़ निकल के आती है वो है दोस्तों यहाँ पे गूगल क्रोम। तो दोस्तों यहाँ पे गूगल क्रोम हम सभी के मोबाइल में प्री इंस्टॉल दिया जाता है या फिर दोस्तों यहाँ पे गूगल क्रोम आप कहीं ना कहीं आपके मोबाइल में जरूर होगा और आप भी दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ डे टू डे लाइफ में सर्च लगाते रहते होंगे और इसको काम में लेते होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गूगल क्रोम एक बहुत अच्छा ब्राउज़र है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि इसके अंदर भी बहुत कुछ हिडन फीचर्स है, लेकिन हम यहाँ पे सभी हिडन फीचर्स के ऊपर बात नहीं करने वाले आज। जो फीचर्स दोस्तों यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा फीचर के बारे में बात नहीं करेंगे और यहाँ पे दोस्तों एक फीचर के बारे में बताएंगे आपको। और लेकिन इसको जानने के बाद यहाँ पे आप गूगल क्रोम का एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर होने वाला है और काफ़ी इजी टू यूज बन जाएगा आपके लिए गूगल क्रोम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मानती टेक्निकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा गूगल क्रोम ओपन है। तो यहाँ पे दोस्तों हम उस हिडन फीचर्स को लाने के लिए यहाँ पे एक सर्च लगाना होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा क्रोम, उसके बाद सिंबल डबल स्लैश फ्लैग्स। तो दोस्तों इसको लिख के आपको सर्च लगाना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन होगा ये पेज। तो दोस्तों यहाँ पे ये पेज ओपन होने के बाद आप नोटिस करेंगे बहुत कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन में जाना नहीं है, हमको चाहिए उस स्पेसिफिक ऑप्शन जो यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे आपको फाइंड इन पेज। तो दोस्तों यहाँ पे फाइंड इन पेज में आपको जाके लिखना होगा होम या फिर क्रोम होम, मतलब यहाँ पे ये लिख के आपको सर्च करना होगा। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहता है, यहाँ पे आपको इनेबल्ड या डिसेबल्ड करना होता है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे आपको इनेबल्ड या डिसेबल्ड आपको यहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पे हम इनेबल्ड करेंगे, तो यहाँ पे इनेबल्ड के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद ये बोलेगा यहाँ पे रिलॉन्च नाउ। तो इसके ऊपर आपको टैप करना होगा, मतलब ये फीचर्स तभी आएंगे जब आप यहाँ पे रिलॉन्च नाउ करेंगे। तो रिलॉन्च नाउ कर देते हैं, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा, फिर से ये ऑटोमेटिकली ऑन होगा। तो चलिए यहाँ पे रिलॉन्च करते हैं। तो यहाँ पे ऑफ हो गया है, उसके बाद देखिए फिर से ये ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि वही पेज पे वापस ले आया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली रिसेंट बटन के ऊपर टैप करिए, उसके बाद यहाँ पे आपको वो उसको हटा देना है, क्लियर कर देना है। तो उसके बाद फिर से जब आप क्रोम ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे की ओर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो सर्च बार है वो नीचे की ओर आ गया है और इसको आप काफ़ी इजी टू यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब एक हाथ पे कई कई बार क्या होता है, ऊपर की ओर आप यहाँ पे टैप करना होता है, लिखना थोड़ा झंझट हो जाता है। तो इनेबल होने के बाद दोस्तों आप काफ़ी आसानी से आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। नीचे की ओर आपको टैप करना है, उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कुछ भी, उसके बाद सर्च लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे काफ़ी ईजी टू यूज हो जाता है ये करने के बाद। और मैं काफ़ी दिनों से इसको खुद यूज कर रहा हूँ और मुझे लगा कि भाई आप लोगों को भी बताना चाहिए। तो इसको आप अगर डिसेबल करना चाहते हैं उसका रास्ता भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ऑफ करने के लिए यहाँ पे आपको वही पेज में जाना है, उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको रिसेट ऑल टू डिफ़ॉल्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली उसी के ऊपर आपको टैप करना है, उसके बाद बोलेगा रिलॉन्च नाउ, तो दबाइए रिलॉन्च नाउ के ऊपर, तो उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको कर दो लाइक शेयर और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, उसके साथ बेल आइकन को भी जरूर हिट करो ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।